बदनसीब बाप की दर्द भरी कहानी। मनोहर जी चुपचाप बैठे हुए बड़ी बहू काव्या की बातों को सुने जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय वे अपना धीरज खो बैठेंगे। किसी तरह से उन्होंने अपने आप को काबू में कर रखा था। काव्या थी जो अनवरत बोली ही जा रही थी। बात बस इतनी सी थी कि पिछले कुछ समय से दांतों में कष्ट हो रहा था। डॉक्टर को दिखाया था तो उसने दांतों को निकलवाने की सलाह दी, पर दर्द के कारण ये संभव नहीं था। दर्द कम करने की दवा दे दी थी, कहा था कि दर्द खत्म हो जाएगा तभी दांत उखाड़ा जाएगा। दांत दर्द की वजह से कुछ खा ही नहीं पा रही थी, इसलिए बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा था, पर उसने दो सूखी रोटी और सूखी सब्जी बेटे के हाथ भिजवा दी। मनोहर जी ने थाली को अपने हाथ तक नहीं लगाया। अब बहू काव्या जोर जोर से बोल रही थी कि जब खाना नहीं होता तो पहले से ही बता दिया करो, कितना भी करो इनके नखरे तो खत्म ही नहीं होते। और ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी कि दांत दर्द की वजह से ससुर जी की रोटी चबाने में असमर्थ हैं, और गुस्से में थाली उठाकर बाहर चली गई। मनोहर जी ने गहरी सांस ली और अपनी छड़ी उठाकर अपनी लंगोटिया याद दिनेश जी के घर चल पड़े। आज उनका दिल बहुत उदास था, अपने स्वर्गवासी पत्नी की याद आने लगी। एक सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। अतीत ने बड़ी तेजी से उनकी यादों में प्रवेश किया। मनोहर जी कार्यालय में अधिकारी थे। उनके तीन बेटे थे, मुकेश, अमृत और रोशन। तीनों ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उनकी पत्नी प्रभा जी कम पढ़े लिखे थी, लेकिन मेहनती स्वाभिमानी स्त्री थी जो कुशलता के साथ उनके घर का संचालन करती थी। पैसे बचाना मनोहर जी अपनी पत्नी से सीखा था, इसलिए महीने के अंत में अपनी पूरी पगार अपनी पत्नी के हाथों में सौंप देते थे। खुद निश्चिंत हो जाया करते, घर के मामले में भी कभी कुछ नहीं बोलते, पर पत्नी को जब भी उनकी सलाह की जरूरत होती तो उनको हमेशा उनका साथ देते। समय के साथ उनकी उन्नति होती गई। अपने जीवन काल में जो सबसे अच्छा काम किया था वो था मकान बनवाना। दिल्ली के कॉलोनी में अपने सपने का संसार बनाया था। मनोहर जी ने ऑफिस से लोन लेकर, कुछ दोस्त से मदद लेकर पत्नी के इस सपने को पूरा किया। पहले मकान एक मंजिला था, पर बच्चे बड़े हो गए तो मनोहर जी ने हिम्मत करके मकान को दो मंजिला किया और फिर तीन मंजिला बनवा दिया। अब जो मकान था वो तीन मंजिला हो चुका था। उनके बेटों की शादी भी हो गई थी और तीनों बेटों के दो दो बच्चे भी हो गए थे। और अब मनोहर जी अपने छोटे बेटे के साथ निचली मंजिल पर अपनी बहू जया और बेटे रोशन के साथ रहा करते थे। रसोईया सबकी अलग अलग थी। सब त्योहार वाले दिन एक साथ एक जगह इकट्ठे होकर त्योहार मनाते, और रोशन की पत्नी को बहुत तकलीफ होती कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, दोनों भाभियां तो बस हाथ हिलाने के लिए आ जाया करती। उधर दोनों का कहना था कि भाई रसोई जो तुम्हारी है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, पर ये बातें कभी भी झगड़े का रूप धारण नहीं कर पाई थी, क्योंकि प्रभा जी खुद भी एक मेहनती महिला थी और दुरुस्त थी। सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहने की उनकी आदत थी। मनोहर जी जब भी अपनी पत्नी के साथ बैठते तो कहते थे, अब हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, पेंशन तो आएगी ही, बस आराम से गुजारा हो जाएगा। जो सपने मैं तुम्हारे पूरे नहीं कर पाया वे अब करूंगा, और पत्नी हल्के से मुस्कुराकर सहमति प्रकट कर देती। मनोहर जी का ये सपना कभी पूरा ही नहीं हुआ, और एक दिन उनकी पत्नी उन्हें अचानक छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। मनोहर जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई, पर होनी को कौन टाल सकता था। उनकी पत्नी ने इतने प्रयास से अपने मकान की नींव रखी थी, लेकिन उसमें अब दरारें आने लगी थी। दरारें कैसी कि सब बेटों और बहुओं में झगड़े होने लगे। हालात इतने ज्यादा बदल चुके थे कि इस समय एक दूसरे को बधाई देने भी सबको कष्ट होता था। सब अपनी गृहस्थी में बिल्कुल व्यस्त हो चुके थे। एक अकेले मनोहर जी रह गए थे जो सब कुछ समझ रहे थे पर असहाय सा महसूस कर रहे थे। दो दिन पहले ही तो अचानक घर में घुसे तो अचानक घर में उन्हें बेटों और बहुओं की आवाजें सुनाई पड़ी, तो मनोहर जी थोड़ी चुपचाप खड़े हो गए और अपने बेटे और बहू की बातें सुनने लगे। उनकी बातों को सुनने के बाद उनके दुख का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने सुना कि तीनों बेटे ने उन्हें महीनों के लिए बांट दिया है। छोटी बहू की शिकायत थी कि जब इस मकान में सबका बराबर का हिस्सा है तो पिताजी की सेवा भी बराबर का हिस्सा होगी। अरे भाई, मैं भी थोड़ा आजाद रहना चाहती हूँ, जो पिताजी के कारण संभव नहीं हो पा रहा। तकलीफ तो सबको हो रही थी पर किसी के पास कोई चारा नहीं था। और अब मनोहर जी तो तीन किश्तों में बंट गए थे। जिंदगी यूं ही चलती जा रही थी, दो महीने कभी इस बेटे के साथ तो दो महीने कभी उस बेटे के साथ। एक एक करके दो महीने हर बेटों के पास रहना पड़ता। मनोहर जी के लिए मुसीबत तो तब आती थी जब कभी महीने के अंत में यदि उनकी तबीयत खराब हो जाया करती तो इलाज ये सोचकर नहीं कराया जाता था कि दो चार दिन के बाद पिताजी दूसरे भाई के घर जाने वाले हैं, वही इलाज करवा देगा बाबूजी का, फालतू का खर्च हम क्यों करें। लेकिन वो कहते हैं ना कि ना की बर्दाश्त की भी हद होती है। जो आज मनोहर जी का सब्र का बांध टूट गया था, दो दिन पहले ही उन्होंने दांत निकलवाया था। उनका दिल कुछ मीठा और कुछ गर्म, कुछ नरम खाने का कर रहा था। उन्होंने अपनी मझली बहू को खीर बनाने के लिए कहा तो काव्या का जवाब आया कि मैं अभी खाली नहीं,
नहीं हूँ, आपको तो कुछ भी सूझता ही नहीं, इस उम्र में भी खाने की पड़ी है। दो दिन बाद जया भाऊ के घर आपको जाना ही है, तो वहीं पर खा लीजिएगा। मैं घर अभी दूध और शक्कर खत्म हो गई है, तो इसलिए मैं खीर नहीं बना सकती। और वैसे भी आज मुझे किट्टी पार्टी में जाना है और मैं किट्टी पार्टी के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। अपनी बहू की जली कटी बातों को सुनकर उनके सब्र का पैमाना छलक गया। आज तक वे अपने बेटे और बहू की सारी हरकतें बर्दाश्त कर रहे थे, पर आज तो हद ही हो गई थी। आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो अपने मित्र दिनेश प्रसाद जी के घर चले गए। दिनेश जी उनके बचपन के दोस्त थे। दिनेश जी शिक्षा प्राप्ति से लेकर सेना निवृत्ति तक दोनों साथ ही थे। दिनेश जी थोड़े व्यवहारिक बुद्धि वाले थे, दिल से नहीं दिमाग से सोचते थे। अपने दोस्त को कई बार समझाया कि थोड़ा रोब रखा करो, किस बात की तुम्हें कमी है, मकान अभी तुम्हारे नाम पर है, बेटे बहू जब भी सिर पर बैठने की कोशिश करे तो धमकी दे दिया करो, किसी को भी कोई हिस्सा नहीं दूंगा। पर मनोहर जी को ये बातें नामंजूर थी। उनका कहना था कि जब मकान बनाया ही बच्चों के लिए तो आखिर मकान को लेकर धमकी देना अच्छी बात नहीं। लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि अब कुछ करने का समय आ गया है। दिनेश जी से सलाह मशवरा करने के बाद मनोहर जी का घर आकर पत्नी की तस्वीर के सामने खड़े हो गए, जैसे मनी मन उनसे विचार विमर्श कर रहे हों। उनके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय आया और वे भूखे पेट सो गए। किसी ने भी खाने के लिए नहीं पूछा। उन्हें पता था उनके तीनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ गर्मियों की छुट्टियों के लिए बाहर जा रहे हैं। किसी को भी ख्याल नहीं था कि पिताजी क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। मनोहर जी ने कुछ नहीं कहा, उन्हें तो अपनी योजना को अंतिम रूप देने का अवसर मिल गया था। वो चुपचाप शांत भाव से बैठकर अपनी योजना की तैयारी कर रहे थे। वैसे भी उनका मानना था कि जब बेटे माँ बाप को नहीं पूछते तो बहुओं से क्या उम्मीद करूं, क्योंकि बहुएं तो चाहती हैं कि किसी की सेवा ना करनी पड़े, तो पति और बच्चों में ही अपना परिवार देखती हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहती हैं, पर अपने कर्तव्यों के प्रति आंखें मूंद लेती हैं। मनोहर जी अपने मित्र के साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। प्रॉपर्टी डीलर मनोहर जी के पुत्र का खास दोस्त था। उससे मिलकर अपनी व्यथा बताई, कुछ सलाह मशवरा किया और वापस आए। 10 दिन के बाद जब बेटे बहुएं प्रचलित घर लौटे तो मकान पर ताला देखकर छोटी बहू जया बोली, हद हो गई लापरवाही की, चुपचाप घर पर नहीं बैठ सकते थे, पता नहीं कहाँ चले गए। उसके गुस्से का कारण भी था कि अब 2 महीने के बाद पिताजी उसके पास रहने आ रहे हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद दिनेश जी के घर गए। दिनेश जी ने उनको जो बताया वे सुनकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। जब उन्हें पता चला कि पिताजी ने मकान 80 लाख में बेच दिया है, अरे अब वो कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। तीनों परिवारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, ये सब क्या हो रहा है। गुस्से में तीनों भाई उबल रहे थे। पिताजी ऐसे कैसे कर सकते हैं, मकान की कीमत तो 1 करोड़ थी, तो पिताजी ने 20 लाख का घाटा क्यों उठाया, उनकी समझ से बाहर था। कोई चारा ना देखकर सब अपने ससुराल चले गए। अगले दिन बड़े बेटे के पास दिनेश जी का फोन आया और उन्होंने तीनों बेटों को अपने पास आने के लिए कहा, कुछ आवश्यक सूचना देनी है। शाम का इंतजार भी भारी पड़ रहा था। दिनेश जी के पास से जो सूचना मिली उससे तीनों बेटों के जुबान पर ताला लग गया, दिमाग जैसे सुन पड़ गया था, सोचने समझने की शक्ति जैसे साथ ही छोड़ दिया था। दिनेश जी के अनुसार मनोहर जी अयोध्या जा चुके हैं और उन्होंने वहाँ पर एक घर ले लिया है और अब वहीं रहेंगे। ये सुनने के बाद तीनों बेटे और बहू के ऊपर जैसे बजरी गिर गई हो। हाथ पैर जोड़ने के बाद दिनेश जी से किसी तरीके से उनके घर का पता निकलवाया और तीनों बेटे अयोध्या के लिए चल पड़े। पिताजी का ये कदम उनकी समझ से बाहर था। अयोध्या पहुंचकर पिताजी को देखकर एक झटका लगा। पिताजी तो प्रसन्नचित होकर स्वस्थ लग रहे थे। बेटे बहू को देखकर उनके होठों पर मुस्कान आ गई और प्रसन्न दिल से उनका स्वागत किया और राजेश कहकर आवाज लगा दी। आवाज सुनते ही एक लड़का उनके सामने आकर खड़ा हो गया। सबने एक कोतुहल उसे देख मनोहर जी ने सबकी नजरों को नजरअंदाज किया और राजेश को 6 प्लेट गर्मा गर्म खीर लाने को कहा। मनोहर जी अपने नाती पोतों की कुशलता के बारे में पूछने लगे और बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, पहले कौन बात करेगा, लेकिन किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पिताजी से कुछ पूछे। इतने में राजेश एक ट्रे में 6 प्लेट खीर लेकर आया और सबको एक एक प्लेट पकड़वा दी। किसी ने भी खीर को हाथ नहीं लगाया। किसी को बोलता ना देखकर मनोहर जी ने कमान अपने हाथ में ली और बोलने लगे, तुम सबको हैरानी हो रही होगी और गुस्सा भी आ रहा होगा कि पिताजी को ये क्या सनक सवार हुई, लेकिन बेटे इसका कारण भी तुम ही लोग हो और तुम्हारी माँ है। तुम लोगों को कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी। तुम्हारी माँ ने मेरी एक अकेली तनख्वाह से इतनी कुशलता से घर को चलाया, ये मुझे तुम सबको बताने की जरूरत नहीं। और आज तुम 6 लोगों ने एक बाप को 3 किश्तों में बांट दिया, पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो शांति से दे सकते थे, पर वो भी नहीं दे पाए। पार्लर और किटी पार्टी में जाने के लिए सबके पास वक्त था, पर मेरी 2 रोटियों के लिए वक्त नहीं था। मेरी 2 रोटियां सब पर भारी पड़ रही थी। तुम सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि जिसके पास भी मैं रहता था अपनी पेंशन वही खर्च करता था, लेकिन मेरी दवाई के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे। तुम सबको अपना अधिकार तो पता था, पर बूढ़े पिता के प्रति तुम्हारे भी कुछ कर्तव्य हैं, ये तुम में से किसी को याद नहीं। और फिर जब मेरे ही बेटे ऐसे हैं तो मैं बहुओं से क्या उम्मीद करता। कहते कहते मनोहर जी का गला भर गया। तीनों बहू बेटे नजरें झुकाए बैठे थे। मनोहर जी ने दोबारा शुरू किया और कहा, ये मेरा फैसला है, तुम्हें पसंद नहीं आएगा ये मैं
जानता हूँ, इसके जिम्मेदार भी तुम ही लोग हो। तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने मकान बेच दिया है, 20 लाख के घाटे में बेचा है, पर मुझे इसका कोई मलाल नहीं। 5-5 लाख पोता पोती के नाम पर फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, बड़े होने पर उन्हें मिल जाएगा। मैंने एक घर खरीद लिया है, इसमें 2 कमरे, किचन, बाथरूम, सभी सुविधाएं हैं। मैंने वृद्धाश्रम के लिए 15 लाख दान कर दिए हैं। मेरे मरने के बाद ये सब संपत्ति राजेश की हो जाएगी। तुमने देखा ना, जो अब मेरे साथ ही रहता है, स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया है, वे मेरी सेवा भी करता है। 20 लाख मैंने इसके नाम जमा करवा दिए हैं, बाकी जो बचा कुचा हिसाब तुम लगा सकते हो वो मैंने बैंक में जमा करा दिए हैं, और मेरी पेंशन भी आएगी जिससे मेरा और राजेश का खर्चा आराम से चल जाएगा। अब तुम लोगों को मेरी तरफ से पूरी आजादी है, जैसे चाहो वैसे रहो। ये सब सुनकर तीनों बेटे उदास हो गए और सोचने लगे कि हम लोगों ने अपने पिताजी के साथ बहुत गलत किया। मजली बहू सोच रही थी कि एक प्लेट खीर की कीमत इतनी भारी पड़ेगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, अपने नाम भी कुछ संपत्ति होनी चाहिए जो बुढ़ापे में काम आएगी। सोचिए, अगर मनोहर जी के पास मकान नहीं होता तो उनका क्या होता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपकी भी जिंदगी से कुछ जुड़ी ऐसी ही कहानी है तो हमसे साझा करें, और ऐसी ही बहुत अच्छी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी ईश्वर का इंतजार करें। हम मिलेंगे कल कुछ नई कहानी के साथ। गुड लक।